नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई दिन शुक्रवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा, मोदी सरकार से उब चुकी है जनता। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जुड़ेगा यह सब? सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के सामने खड़े किए सवाल। चाचा पशुपति पारस को लेकर नरम हुए चिराग। मोदी सर ने मामले में अब 4 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा, मोदी सरकार से उब चुकी है जनता। केंद्र सरकार को लेकर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार से जनता अब उब चुकी है। 9 साल में मोदी सरकार ने ना तो महंगाई कम की और ना ही बेरोजगारी। सरकार को टैक्स देते देते लोगों की जिंदगी झंड हो गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 2024 में देश में बड़ा बदलाव होगा, जिसके बाद ही लोगों को राहत मिल सकेगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कफन से लेकर बच्चों के दूध तक में टैक्स वसूल रही है। अब देश की जनता केंद्र की मोदी सरकार से उब चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। एनडीए में जो भी घटक दल है, उनका 2024 के चुनाव में अतापता भी नहीं चलेगा। वो अपने दल के लोगों को खोजते रहेंगे, जिसका एक भी सांसद नहीं है। वैसे ही लोगों को एनडीए में शामिल किया गया है। विपक्षी गठबंधन के नए नाम, इंडिया पर आरसीपी सिंह ने कसा तंज। विपक्षी दलों ने दूसरी बैठक के समय गठबंधन का नाम इंडिया तय किया। इसे लेकर अब बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में 140 करोड़ भारतवासी रहते हैं, सिर्फ 26 पार्टी के लोग ही इंडिया में नहीं रहते, क्योंकि भारत सभी का देश है। 26 पार्टी के लोग अगर अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो इससे बड़ा मजाक का विषय और क्या हो सकता है? सिर्फ नाम रख देने से कुछ नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जुटान में सभी लोगों ने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहार के लिए निकल गए। महागठबंधन के बैठक के दौरान तो संयोजक की घोषणा भी नहीं हुई। इस महाजुटान की बैठक के दौरान सिर्फ विपक्षी दलों के नाम का ऐलान हुआ और महागठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी, इसका ऐलान किया गया है। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। महागठबंधन के दलों में आपस में ही इतने मतभेद है कि कभी यह लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं। पप्पू यादव ने शिव भक्तों को लेकर दिया यह बयान। पप्पू यादव अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल सावन महीने में शिव भक्त व कांवड़ियों को लेकर बयान देने को लेकर पप्पू यादव की चर्चा देखी जा रही। दरअसल उन्होंने कहा है कि शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है, यह गरीब लोगों को बस अंधविश्वास है। आगे उन्होंने कहा कि लोग छोटी छोटी नफरतों और अहंकार को निकाल नहीं पाते हैं और जातियों को लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, लोग स्वतंत्रता से जीने नहीं देते, पड़ोसियों को तंग करते हैं। मानव प्रेम के बगैर शिव प्रेम नहीं हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान हुए बीजेपी नेता की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। बीजेपी द्वारा विधानसभा मार्च व प्रदर्शन के दौरान जिस बीजेपी नेता की मौत हुई थी, उन्हें लेकर बीजेपी द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि मौत लाठीचार्ज से हुई है। हालांकि बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत किस वजह से हुई है, इसे लेकर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गया है। बता दें कि पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह द्वारा यह पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पुलिस के लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक के कारण हुई है। आगे उन्होंने बताया कि भाजपा नेता विजय सिंह दोपहर 1:22 से लेकर 1:27 तक बेहोश थे। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी यह स्पष्ट हो गया है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जुड़ेगा यह शब्द? जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया सामने आया है, तब से यह खबर भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि विपक्षी गठबंधन में ही मौजूद कई दल इस नाम से सहमत नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गठबंधन के कुछ बड़े दल जैसे जदयू और राजद द्वारा नाम से बदलाव कर साथ में कोई शब्द जोड़ने का सुझाव दिया है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते ही दिनों जदयू के ललन सिंह और राजद के मनोज झा द्वारा इंडिया के बाद फ्रंट शब्द जोड़ने का सुझाव दिया गया। यदि वाकई इस पर सभी दल हामी भरते हैं और सहमति बन जाती है, तो गठबंधन इंडिया फ्रंट कहलाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक रखने का बात सामने आई है। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन व मणिपुर हिंसा को लेकर कही ये बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एनडीए की बैठक के बाद दिल्ली से पटना अब लौट आए हैं। पटना आते ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस बार विकास का मुद्दा ही हमारा एजेंडा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, वह लोग बिहार पहले संभाल ले। विपक्षी गठबंधन के नाम की चर्चा करते हुए आगे उन्होंने कहा कि वे सभी भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी का एक गठबंधन बना है। वहीं मणिपुर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में दो समुदाय के बीच लड़ाई है, वह आपस में लड़ रहे हैं, कुकी और मैतई दोनों की लड़ाई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां उच्च न्यायालय ने रिजर्वेशन को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में कोई सांप्रदायिक घटना नहीं घटी है, क्रिश्चियन समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं।
इस वजह से जदयू नेता ने केंद्र सरकार को बताया फेल। मणिपुर में हो रहे हिंसा को देखते हुए दिन प्रतिदिन यह पूरे देश में सियासी हलचल को हवा दे रहा। इसे लेकर बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई। अब इसी कड़ी में जदयू नेता मदन सहनी द्वारा केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और इसे लेकर मोदी सरकार से जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा की घटना हो रही है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वह सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा की घटना रोक नहीं पा रही। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा भी करते हैं, उसके बावजूद हिंसा की घटना नहीं रुक पा रही है, महिलाओं के साथ इतना जुल्म हो रहा है। केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा की घटना को रोकने में पूरी तरह से फेल है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के सामने खड़े किए सवाल। देवगौड़ा गुजराल सरकार की चर्चा करते हुए सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार केंद्र में देवगौड़ा गुजराल जैसी सरकार चाहते हैं? हिम्मत हो तो बताएं कि क्या क्या बदलाव विपक्ष चाहता है। क्या बहाल कर दी जाएगी धारा 370? वापस लिया जाएगा 3 तलाक पर रोक का कानून? क्या ऐसी सरकार चाहते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक न कर सके? क्या खत्म कर देंगे EWS कोटा और जनधन खाता? आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता के वे दिन लौटाना चाहते हैं जब देवगौड़ा गुजराल जैसे कमजोर प्रधानमंत्री होते थे और सरकार 6-7 महीनों में बदल जाती थी। नीतीश कुमार को यदि न कोई नाराजगी है, न वे विपक्षी मंच के संयोजक बनना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ बदलाव चाहते हैं, तो उन्हें जनता को बताना चाहिए कि क्या क्या बदलाव चाहते हैं। चाचा पशुपति पारस को लेकर नरम हुए चिराग। NDA की बैठक में शामिल हुए चिराग और पशुपति पारस के बीच जो मुलाकात की झलक देखी गई, वह सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा। दरअसल मुलाकात के दौरान चिराग अपने चाचा के गले मिले। ये वही चिराग और पशुपति हैं जिनमें कई राजनीतिक तकरार देखने को मिलती थी। दोनों ही एक दूसरे के विरोध में बयानबाजी करते नजर आते थे। हालांकि इस मुलाकात के बाद चिराग का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चाचा भतीजे के बीच की यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, बल्कि मामला पूरी तरीके से पारिवारिक है। इसलिए इस मामले में भी निर्णय चाचा को ही लेना है, क्योंकि हमारे यहां फैसले बड़े करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पिताजी के निधन के बाद चाचा में अपने पिता की छवि देखी, कुछ परिस्थितियां आई जिससे अलग हो गए। मेरी समझ में बात नहीं आई, लेकिन अलग होने का फैसला भी उन्हीं का था, तो साथ होने का फैसला वही करेंगे, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर शेयर कर दी इस बात की बधाई। अभी हाल में कर्नाटक में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हुई। विपक्षी एकता के चल रहे इस पहल के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जन्मदिन के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। विजय सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बीजेपी ने कहा, नीतीश बाबू की है लीपापोती। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता की हुई मौत को लेकर बीजेपी पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेता की मौत की वजह हृदय रोग बताई गई है। अब इसे लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमें पहले से मालूम था कि हमारे नेता विजय सिंह की मौत मामले में नीतीश बाबू लीपापोती करेंगे। अगर वह कह रहे हैं कि हमारे नेता की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो उन्होंने जो पोस्टमार्टम करवाया है उसका वीडियो दीजिए, हम लगेंगे और आंदोलन करेंगे। एम्स से मेडिकल जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि विजय सिंह की हत्या हुई है, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस केस की जाँच कराई जाए। नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ लें कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में चैन से नहीं बैठेंगे, हम लोग विजय सिंह के मामले में न्याय लेकर रहेंगे। श्रवण कुमार ने विजय कुमार सिन्हा को लेकर कह दी ये बात। नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने NDA में शामिल हो चुके जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिनका जिनका दिमाग काम कर रहा है वो बीजेपी में चले जाए, हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है, जनता का दिमाग सिर्फ काम कर रहा है, 2024 में पता चलेगा। अभी जितने लोग उनके साथ गए हैं, जैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी या और कोई जाने वाले, सबका दिमाग 2024 तक काम करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को लेकर उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिन्हा को कौन जवाब देगा, उनको क्या पता चल रहा है, जानकारी उनको है, देश में जो काम हो रहा है उनको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी जो लिख कर दे रही है उनको पढ़ना है, दिल्ली से फरमान जो जारी हो रहा है उसको सिर्फ फॉलो करना है। विजय कुमार सिन्हा के पास क्या है, सब लाचार है, परेशान है, वो जनता के हित में बात नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बेचैनी में सवाल उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से किए सवाल। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दरिंदगी की जो खबर सामने आई है उसे लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया है, अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो PM क्यों नहीं जा सकते। मणिपुर के CM आज शर्मनाक बयान दे रहे हैं, PM अब तक खामोश थे, विपक्ष के लोगों को गाली दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज अगर वहां विपक्ष की किसी पार्टी का शासन होता तो अब तक न जाने कितनी एजेंसी घुस चुकी होती। देश की सरकार मणिपुर पर चुप है, अब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्या दिन के लिए कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मणिपुर देश का हिस्सा है या नहीं बताएं।
मोदी सर ने मामले में अब 4 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सर ने विवाद को लेकर सुनवाई की गई। मालूम हो कि यह मामला राहुल गांधी से संबंधित था, जहां एक जनसभा के दौरान उन्होंने मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताया था। इसके बाद गुजरात की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा को अभी तक गुजरात हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखा था। अब इस मामले में भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है और अब मामले की सुनवाई आने वाले 4 अगस्त को की जाएगी। प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर खड़े किए सवाल। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के स्थानीय नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कितनी बार पूछा जाता है कि उन्होंने कुछ किया भी है बिहार के लिए, उन्होंने क्या किया है, आपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के लिए इन नेताओं से सवाल क्यों नहीं किए जाते। सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या बोल रहे हैं। मैं तो बिहार में पदयात्रा कर रहा हूं, मैंने तो किसी से वोट भी नहीं मांगा, न ही किसी से पैसे ले रहा हूं, मैंने तो जनता को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है, इसलिए पैदल यात्रा कर रहा हूं। हम आज हर जगह बोल रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, इसलिए अपना शरीर और ताकत को खपाकर गांव घर घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने लिए न सही अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारा पूछ का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछ का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, कृष्ण कुमार यादव। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीजेपी नेता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।